हेलो गाइस, आज अपन बात करेंगे इंडिया के अंदर जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो उसके बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन होती है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, कितनी है, कितनी फीस है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, एक ही जगह सब यूनिवर्सिटी किस पोर्टल पर मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, तो ये सब हम जानने वाले हैं। तो देखेंगे कि ये वेबसाइट किस पोर्टल पर कहाँ पर मिलती है, कैसे पता चलता है कि ये फेक है कि सही है, कि इसका अप्रूवल क्या है। तो इसके लिए है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपने ब्राउजर में कोई भी विंडो के अंदर कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर जस्ट सिंपली टाइप करना है यूजीसी टाइप करके आपको एंटर कर देना। जैसे आपका ब्राउजर रिजल्ट देगा, देखिए इसने रिजल्ट दिया है, वेलकम टू यूजीसी दिल्ली। तो देखिए यूजीसी की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो गाइस देखो, ये यूजीसी की वेबसाइट पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। अपने जो भी कॉलेजों के कोर्स वगैरह होते हैं, वो कॉलेज वगैरह होती है, वो सब कुछ इसी से रिलेटेड होती है। ये जो निर्देश देता है, इससे जो है कॉलेजों को मानना पड़ता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं यूजीसी। तो जस्ट लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया यूनिवर्सिटी, जैसे आप यहाँ पर सब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, जैसे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कंसल्टेंट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स, पैक यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट। तो आपको यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से एक विंडो मिलेगा। जैसे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर क्लिक किया तो ये जो है यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर इंडिया के जितने भी स्टेट है सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जो है यूनिवर्सिटीज इस तारीख तक के, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तो सभी जितने भी स्टेट है सबकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखाई गए। तो देख लेते हैं लाइक आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, और जस्ट लाइक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, तो दो यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर। जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि अजमेर के अंदर है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो जस्ट लाइक दिल्ली तो दिल्ली के अंदर लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटी है। जैसे फर्स्ट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैन सेकेंड नंबर पर जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे सारी को डिटेल भी दी गई है। सेकेंड नंबर पर जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया है, फर्स्ट इग्नू है, सेकेंड जाम, थर्ड जमाता जो है राष्ट्रीय संस्कृत है, दैन ये लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ, या फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, तो ये जो दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। जैसे आप बीजेपी जो है फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख सकते हैं, इसकी मदद से आप इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी वो भी आप देख सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, फेक यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आपको एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है तो आप चूज सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडिया का टॉप ऑफ ब्रांडिंग पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा खोला गया इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आपको मिलेगी एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और आप यहाँ से बीटेक ग्रेजुएटी कर सकते हैं पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप डायरेक्ट लेट ले सकते हैं थर्ड सेमेस्टर के अंदर। थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ ना है तो ये लाइक शेयर कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच।